हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अभी न्यू स्कूल जा रहे हैं और अभी मास्क निकाल रहे हैं और मिस लिंडा को मना कर रहे हैं। क्या मना कर रहे हैं मिस लिंडा को? और मिस लिंडा को परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं? और चीको आज लंच में क्या लेके जा रहे हैं? फ्रेंच फ्राइज एंड केचप एंड वाटर लेके जा रहे हैं बेंच में। वेरी गुड, गुड जॉब। चीको ने कितने अच्छे से व्लॉग स्टार्ट किया ना? Yes. हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है। तो चीको ने बताया फ्रेंच फ्राइज लेकर जा रहा है और आज हमने वाटर बॉटल्स जो आती हैं पानी वैसी वाली प्लास्टिक की जो होती हैं बॉटल्स वो हम भेज रहे हैं आज, शायद उसमें से पानी आज पी ले। तो देखते हैं क्या होता है, इनके आने के बाद ही पता चलेगा। रेडी बैठे हैं ये, अभी इनके मास्क आए थे, न्यू मास्क मैंने ऑर्डर किए थे। तो मास्क का बड़ा खर्चा होता है क्योंकि भेजना भी होता है, उसके बाद फिर कहीं भी जाओ तो चेंज करो, तो ये इस वजह से। तो बस अभी आए हैं तो चीकू ने वही पैकेट खोला, उसने मास्क निकाला, उसने सेलेक्ट किया आज उसको कौन सा मास्क लेके जाना है, कौन सा पहन के जाना है। तो बस वही लेके जा रहे हैं और बस रेडी हैं। और बाहर का वेदर मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ, सनी वेदर नहीं है। चीकू आज कौन सा वेदर है बताओ? विंटर वेदर। विंटर वेदर, ट्राई अगेन। It's sunny weather. No, it's not sunny. Look again. It's a summer weather. Look outside. What's the weather? It's a cloudy weather. Yes, you're right. It's cloudy weather. So today is not sunny weather. Today is cloudy weather. तो ये देखिए guys, अभी time हो गया है, यहाँ पौने 8 हो गए, लेकिन फिर भी अभी मौसम मुझे लग रहा है वैसे ही रहेगा क्योंकि अब ठंड तो ज़्यादा आई गई है। तो पहले तो धूप आ जाती थी, कल तक तो धूप थी अच्छी खासी, बट आज से मुझे लग नहीं रहा ऐसा देख के। तो चलिए गाइस, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। हेलो गाइस, बस चीकू को स्कूल छोड़कर हम लोग वापस आ गए हैं, राज घर चले गए, उनकी मीटिंग थी और मैं यहाँ आ गई हूँ पार्क में। तो आज देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, काफ़ी ठंड हो रही है। तो बस मैंने सोचा कि चलो फिर भी थोड़ी देर वॉक कर लूँगी क्योंकि इतने टाइम से आप लोगों को पता है कि मैं वॉक पर नहीं आ पाई। पहले मैं डेली आती थी, मेरा रूटीन था डेली का, बट मैं इतने टाइम से आ नहीं पाई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं इसके बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ ना आऊँ, और भले थोड़ी देर के लिए आ जाऊँ बट थोड़ा सही रहता। अब वीकेंड में तो ये हो जाता है कि वीकेंड में तो मैं नहीं आती हूँ क्योंकि वीकेंड में चीकू भी घर पर रहता है और फिर सिर्फ वीकेंड मिलता है जब हम लोग आराम से सोकर उठते हैं, अदरवाइज मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है डेली। तो इसीलिए वीकेंड पे मैं स्किप करती थी वैसे भी, बट इधर तो काफ़ी टाइम हो गया तो वही मैंने सोचा कि अब क्योंकि तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गई थी तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अभी ठीक है, सब चल रहा है तो अभी मैं आती हूँ। और ठंड तो काफ़ी हो गई, देखिए वेदर कैसा हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और लग भी नहीं रहा है कि धूप होगी, तो फॉग सा हो रहा है, फॉगी वेदर है काफ़ी। और इस टाइम पे लोग भी यहाँ कम दिख रहे हैं क्योंकि जब सनी वेदर होता है, धूप वगैरह होती है तो लोग भी आते हैं ज़्यादा, बट अभी लोग भी कम है और हैं थोड़े थोड़े हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं कार लेकर ही आई हूँ, तो मैंने कार वहाँ पर पार्क कर दी है और मैं फिर यहाँ पर वॉक करने के लिए आ गई हूँ। तो बस गाइस, अब देखिए अभी तो मुझे फ़िलहाल यही चिंता है कि चीकू का स्कूल में कैसा रहता है, कुछ खा ले वो तो मुझे शांति मिलेगी क्योंकि वो कुछ खाता नहीं है, तो फिर मुझे मतलब लगता रहता है पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं, भूखा ना हो। और आज हमने वाटर बॉटल्स भी दूसरी रखी हैं तो देखते हैं क्या होता है। उसकी टीचर से बोल भी दिया था कि इसकी वाटर बॉटल भी दूसरी है तो आप थोड़ा सा चेक कर लेना, उसको बोलना बार बार कि थोड़ा सा वाटर पी लें। तो लेट्स सी,
पर मुझे लगता है कि एटलीस्ट वो लोग पानी तो पिला सकते हैं, खाना नहीं खिला सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट पानी तो कह सकते हैं ना कि वन सिप करो, टू सिप करो, ऐसे करके बच्चा कुछ तो पिएगा। पर पता नहीं वो लोग बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। अगर उन्होंने एक बार बोला होगा, उसे मना कर दिया तो इट्स फाइन। तो ये चीज़ थोड़ी सी लगती है मुझे। बाकी पहले वाला जो स्कूल था वो आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पर काफ़ी मतलब इतने अच्छे टर्म्स हो गए थे वहाँ की पैरा एजुकेटर से, टीचर से, तो वो बिल्कुल घर की तरह सब रहते थे वहाँ। और मतलब मतलब खाने का होता था, मैं खाने का बोल देती थी, वो लोग अपने हाथ से खाना भी उसको खिला देते थे। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे एक भी इंडियन टीचर नहीं है, इंडियन पैरा एजुकेटर्स नहीं है, कोई भी नहीं है। और इन लोगों से ज़्यादा हम बोल भी नहीं सकते हैं, तो देखते हैं धीरे धीरे वो सेट बस हो जाए कैसे भी। बस यही था कि ये स्कूल काफ़ी अच्छा है, इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, और इसी वजह से कुछ और रीजंस थे जो हमें इसमें करना था। तो बस आई होप कि वहाँ सब कुछ सेट हो जाए अच्छे से, सब उसका चलता रहे, तो तब जाके मैं शांति से रह पाऊँगी, वरना तब तक तो मेरा ऐसे ही रहेगा टेंशन, क्योंकि वही दिमाग में लगी रहती है। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे का दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरे माउंटेन है, देखिए पूरा इतना फॉगी हो रहा है, ठीक से आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, अदरवाइज़ आपको पता ही है माउंटेन बिल्कुल क्लियर होते हैं, बट अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल फॉगी सा है पूरा ये सब। और आप लोगों को ज़्यादा लोग भी नहीं दिख रहे होंगे, देखिए ज़्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पर, एक बंदा वहाँ पे वॉक कर रहा है। डक्स वगैरह देखे हैं, पता नहीं इन लोगों को ठंड नहीं लगती है, डक्स को पता नहीं क्या है, ये पूरे टाइम यहीं पर रहती हैं डक्स। तो काफ़ी लोग दूर दूर हैं, वॉक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, वहाँ से कुछ हैं आ रहे हैं लोग, रनिंग कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, घर पहुँच के आप लोगों से बात करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, मैं ये भटूरे का आटा गूंथने जा रही हूँ। एक्चुअली कल भी मैंने आटा मारा था बट ख़त्म हो गया, राज को आज भी भटूरे खाने हैं, थोड़े से छोले रखे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आटा गूंथ लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा इस पर नमक डालूँगी, 1 स्पून, 1 छोटा चम्मच, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बाकी मैंने यहाँ पे योगर्ट रखा हुआ है, दही, वो हम इसको डाल लेंगे इसमें। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि दही थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि सिर्फ दही डालने से मतलब उसका नुकसान भी नहीं करता है मैदा ज़्यादा, और इसी से ही मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि इसी से ही मैं पूरा आटे को गूँथ लूँ। तो बस गाइस, इसको मैं अब गूँथ लूँगी। तो गाइस, ये देखिए हमारा डो रेडी है, मैंने हल्का सा ऑयल लिया था अपने हाथों में और वो भी मैंने इसमें लगा दिया है ताकि ये चिपके ना, तो इसको हल्के हाथों से प्रेस करके आप डो बना सकते हो। बस इसके साथ में यही है कि भटूरे का डो अगर अच्छा नहीं बनता है तो भटूरे भी इतने अच्छे नहीं बन पाते हैं, तो इसीलिए इसका डो बनना बहुत ज़रूरी है, अच्छा बनना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। तो बस इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे बाहर ही, और उसके बाद मैं फिर बनाती हूँ। तो गाइज, मैंने डो निकाल के इसमें बॉक्स में रख दिया है, इस डब्बे को लिड बंद कर देती हूँ, तो इससे ये आटा जो है सूखेगा नहीं, इसीलिए खुला कभी मत छोड़ें, या फिर आपके पास कोई कपड़ा हो तो आप कपड़ा उसके ऊपर से डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें लिड में बॉक्स के अंदर करके लिड लगा के रख दी है। तो हम थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे आधा पौन घंटा, उसके बाद फिर हम बनाएंगे।
हेलो गाइस, हम लोग अभी बाहर हैं। एक्चुअली मुझे अपना एक टॉप वापस करना था, तो वो बस हम कर आए हैं। और आज हमारे एक फ्रेंड की बर्थडे है, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि हम लोगों को आज जाना है, तो बस शाम को वहाँ जाएंगे। तो उनके लिए भी कुछ गिफ्ट कार्ड वगैरह हम लोग लेने जा रहे हैं, तो वही सोच रहे हैं कि मेसीज का ही गिफ्ट कार्ड दे देंगे उन्हें। और तो बस हम लोग वहाँ लेने के बाद वहीं से ही चीकू को लेने के लिए चले जाएंगे स्कूल। तो बस गाइस यही है, तो चलिए आप लोगों से बाद में बात करते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग कार में बैठ गए हैं, चीकू पीछे बैठा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैं बैठ गई हूँ आगे। राज गए हैं, अपनी वॉलेट भूल गए हैं, तो वॉलेट लेने के लिए गए हैं घर के अंदर फिर से। और बस हम लोग निकलने वाले हैं, भूल आ गए राज भी वॉलेट लेकर। इधर देखिए ये वाला घर इन्होंने कितना सुंदर सजाया हुआ है, हमारे सामने का घर है ये, तो बहुत अच्छा सजाते हैं लोग क्रिसमस पे। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, और मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो चलिए गाइस, फिर हम लोग बाद में बात करते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, हम लोग बस आ गए अपने फ्रेंड के यहाँ से, और बहुत थकान हो गई है, बट लेकिन हाँ कुमार अंकल भी आए थे, तो आज बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। बेटे ईशी की कार तो ईशी के होम में है, राइट? वो अपने होम चली गई, तो आज बहुत अच्छा लगा। और सबने वहाँ पर मतलब जिसको जिसको गाना आता था उन्होंने सॉन्ग सुनाया, और मैंने और राज ने हम दोनों ने ड्यूट सॉन्ग गाया, तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और चीकू को भी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे थे वहाँ पर, तो बच्चों ने डांस वगैरह अपना करते रहे, अपने में ही बिजी थे, कुछ कुछ खेल रहे थे। इसका तो थोड़ा ये रहता है कि ये बच्चों के साथ इसको इतना मज़ा नहीं आता खेलने में, ये अपना अलग ही खेलता है, कुछ ना कुछ टॉयज ले लेगा खेलेगा, बट इसको देखने अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे हैं, तो उसको उस चीज़ से मज़ा आता है, बट साथ में बैठ के खेलना इसको इज नॉट इंटरेस्टेड। तो काफी अच्छा था, काफी लोग भी थे, आई थिंक चार पांच फैमिली, पांच छह फैमिली एक्चुअली थी। तो खाने में भी अच्छा था, पाव भाजी बनाई थी उसने, और बिरयानी बनाई थी, एंड पनीर नान, तो टेस्टी था खाना भी। और हमेशा की तरह चीकू ने तो खाया नहीं, चीकू ने अभी घर पे आके बिरयानी खाई है जो मैंने बनाई थी। तो बस गाइस यही है, अब हम लोग आ गए, थक तो गए हैं, पर टाइम कैसे पूरा निकल गया पता नहीं चला। और बस अभी चेंज वेंज करके हम लोग बैठे, फिर मैंने चीकू को खाना खिलाया, और बस अब यही था कि अब कल तो सैटरडे है, तो कोई काम नहीं कुछ नहीं,
तो आज हम लोग आराम से सोएंगे क्योंकि आज हम लोगों ने नैप ले ली थी। एक्चुअली मैंने नैप नहीं ली थी, मेरे से नहीं होता, मतलब मैं लेट गई थी, चीकू ने नैप ले ली थी, राज ने नैप ले ली थी, मैं भी लेट ही रही बट मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं सोई नहीं। और अभी भी मुझे ऐसा कुछ नींद नहीं आ रही है बट अभी तो खैर चीकू भी नहीं सोएगा क्योंकि वो नैप ले चुके हैं आज, तो देखते हैं जब तक ये जगेगा तब तक हम लोग भी जगेंगे। और वैसे भी कल सैटरडे है, छुट्टी है, तो आराम से ही उठना है, कोई काम ऐसा है नहीं और कहीं ऐसा जाने का भी प्लान नहीं है। मे बी हमारे एक और फ्रेंड है तो वो लोग आज वहाँ पर मिले थे तो हो सकता है उनसे मिलना हो, अगर उनसे मिलना होता है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो तो घर की तरह ही है, तो देखेंगे कल क्या रहता है, कैसा क्या होता है। तो बस गाइज अब हम लोग बैठेंगे आराम से, को टी वी वगैरह देखेंगे। अभी राज तो बाहर गए हैं वही ट्रैश फेंकने, वो हमेशा उनका वही रहता है कि रात में ही जाते हैं सीधा ट्रैश फेंकने के लिए। बाकी मुझे घर पे कल घर के थोड़े से काम है, लाइक इसके इसकी मुझे वार्डरोब साफ़ करनी है, इसके कुछ कपड़े मुझे हटाने हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं, कुछ छोटे हो गए हैं वो हटाने हैं मुझे, तो बस ये सब काम बहुत टाइम से पेंडिंग सब कुछ पड़ा है, हो ही नहीं पा रहा है। तो कल मैं वो कोशिश करूंगी कि अगर हो जाए तो अच्छा ही है, कोई और काम एक्स्ट्रा ना निकले, तो कल देखती हूँ, कल ट्राई करती हूँ और यही कोशिश करूंगी कि कल काम कर लूँ। तो थोड़ा सा घर साफ सफाई हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ऐसे ही फैला हुआ है, और क्रिसमस का भी अभी हमने कुछ भी नहीं लिया, कोई भी डेकोरेशन नहीं करी। और एक्चुअली हमें क्रिसमस ट्री भी लेकर आना है बट टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि चीकू का भी स्कूल का ही चल रहा था, पूरा वीक हमारा ऐसे स्कूल में ही चला गया सेट करने में। तो बस यही है कि अब इस वीकेंड पे हमने सोचा है कि ट्री वगैरह देखते हैं, अगर ला पाए तो ले आएंगे, अदरवाइज बाद में देखेंगे। और थोड़े से थोड़ी बहुत डेकोरेशन का भी कुछ कुछ लेना है सामान, तो बस गाइज यही है, थोड़ा सा देखते हैं डेकोरेट करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। और तो चलिए गाइस फिर हम लोग बाकी बातें कल करेंगे और कल मैं आप लोगों से बात करती हूँ, कल मिलते हैं, बाय बाय कर दो चीकू, बाय 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 बाय, गुड नाइट गाइस, लव यू।